नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे पीजीटी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में डिफरेंट स्टेट्स के या फिर नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार किसी ना किसी एग्जाम में, अभी आप देखेंगे जैसे कि 2003 में अगर आया है तो 2014 में भी वही क्वेश्चन आ गया है। आज हम हड़प्पा क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर पूरा का पूरा बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। पहला प्रश्न है 2019 पीजीटी में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी शासन व्यवस्था किस तरह थी, उसकी जो गवर्नेंस थी वो किस तरह थी। तो गवर्नेंस के ऊपर उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ इतिहासकार के नाम बताता हूं, जैसे स्टुअर्ट पिकर्ड हैं, आपने नाम शायद सुना होगा और अगर नहीं भी सुना है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टुअर्ट पिकर्ड ने पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो हड़प्पा स्टेट था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। तो हाईली सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत था, अत्यंत केंद्रीकृत स्टेट था जिसमें जो शासन व्यवस्था थी, जो पॉलिटी थी, जो गवर्नेंस थी, वो एक वर्ग के हाथ में थी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में थी। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो दर्शाता है कुलीन तंत्र को। तो इसका आंसर तो दोस्तों कुलीन तंत्र हो जाएगा। और इसके अलावा इस पे बहुत सारे और लोगों ने भी शोध किया है, जैसे एल बाशम, नाम आपने सुना होगा, एल बाशम, वंडर दैट वाज इंडिया, इनकी एक पुस्तक है। और इसमें इन्होंने भी बताया है कि इनका जो गवर्नेंस था वो थियोक्रेटिक था, यानी कि धर्मतंत्रिक था। थियोक्रेटिक, धर्मतंत्रीय, धर्मतंत्रीय इनकी शासन व्यवस्था थी। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कुलीन तंत्र की तरफ। तो ये जो फैक्ट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टुअर्ट पिकर्ड हो गए, एयर बाशम हो गए। इसके अलावा इसमें एक और नाम आता है जो कि आता है व्हीलर का, और व्हीलर महोदय का भी यही मानना है कि इसमें जो शासन व्यवस्था है वो मध्यम वर्गीय के हाथ में रही होगी, और इसीलिए इसको इतिहासकारों ने बोला है कि कुलीन तंत्र इसका आंसर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यूपी पीसीएस 2003 में भी आया है, फिर आरपीएससी 2018 में भी आया है, और इसमें मैच द फॉलोइंग हालांकि है ये, बट इस प्रश्न में अगर आप देखें तो बहुत सारे वन लाइनर निकल आएंगे। जैसे कि अगर आप एक तरफ स्थल दिए हुए हैं, कौन से स्थल है, और दूसरी तरफ उनमें क्या क्या मिला है हमको विशेषताएं, तो यदि आपको कुछ ना भी आता हो बट आपको ये तो पता ही होगा कि जो लोथल है इसमें गोदीवाड़ा मिला है। लोथल जो है ये एक क्या था, डॉकयार्ड था। इसके अलावा कालीबंगा से भी जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, प्लॉट फील्ड मिलती है हमको। और नर्तकी की मूर्ति, जो कांस की नर्तकी मूर्ति है, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल की, वो हमको मिलती है मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से हमको शवाधान मिलता है R37, जो सिमेट्री है जहां पे कब्रगाह था। और ये जो सिमेट्री कब्रगाह है ये एक पूर्ण विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय का है। तो इसको अगर हम मैच करें तो ए के नीचे 1 और बी के नीचे 2 आ जाएगा, दो ऑप्शन में है। हालांकि आपका जो क्वेश्चन है ये पहले ही सॉल्व हो जाता है अगर आप, आपको कालीबंगा के बारे में पता है कि कालीबंगा के से हमको जुते हुए खेत मिले, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी में, सी के नीचे 4 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम में लगाएं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अरेंज दी सिटीज ऑफ हड़प्पा साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या फिर आपको ईस्ट से वेस्ट दे देंगे, या फिर वेस्ट से ईस्ट दे देंगे। तो इसके लिए आपको इसके जो मानचित्र है उसका अध्ययन किया होना बहुत आवश्यक है, और अगली साइड में मैंने इसका मानचित्र डाला हुआ है। हालांकि पहले इस क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा सबसे ऊपर है, सबसे नॉर्थ में आ जाएगा हड़प्पा, तो हड़प्पा आ जाएगा नॉर्थ में, क्योंकि हमको नॉर्थ से साउथ लगाना है, ये भी दिमाग में रखना है हमको बार बार कि कहां से कहां लगाना है। तो नॉर्थ से साउथ लगाना है, सबसे ऊपर आएगा हड़प्पा, उसके बाद आएगा कालीबंगल, उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, उसके बाद आता है लोथल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये कैसे हो जाएगा, 1, 3, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम एक बार मैप देख लेते हैं। इस मैप में देखिए, जैसे ये इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है रोपड़ और ये है आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है, राखीगढ़ी है, यहाँ पे आपका आता है हड़प्पा, ये दिस इज हड़प्पा, और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कालीबंगन हमको यहाँ पे दिखता है, जो कि हमारा राजस्थान के घग्गर, एकदम घग्गर हाकरा रिवर के पास है कालीबंगन, तो ये हमको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान में इस तरफ सिंध की तरफ, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, और गुजरात में अगर हम आते हैं तो हमको लोथल मिलता है गुजरात में, ये रहा लोथल। तो इस तरह से अगर देखें तो ये हड़प्पा हो जाता है, हड़प्पा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कालीबंगन,
यहाँ पे मोहनजोदड़ो, तो ये नॉर्थ से साउथ चल रहा है। अगर यही हमको साउथ से नॉर्थ करना होता तो सबसे पहले लोथल आता, फिर आता हमारा मोहनजोदड़ो, उसके बाद आता कालीबंगन, उसके बाद आता हमारा हड़प्पा। तो ये जो मैप है, हालांकि उपेंद्र सिंह मैम की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस मैप को, आप उसको जरूर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि कौन सी सिटी उत्तर में पड़ती है, कौन सी उसके दक्षिण में है। और इसी तरह से ईस्ट और वेस्ट भी पूछ सकते थे आपसे। अब जैसे सबको आपको पता होगा सुक्का गेंदोर ये यहाँ पे है, ये एकदम इसका पश्चिमी छोर है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पश्चिमी केंद्र माना जाता है, और आलमगीरपुर को इसका उत्तरी केंद्र माना जाता है जो कि यहाँ पे है। इसी तरह से मांडू चेनाब नदी के पास यहाँ पे एक जगह है कश्मीर में, इसको माना जाता है इसका उत्तरी सबसे जो नॉर्थ नॉर्दर्न जो एरिया है, और दायमाबाद इसका जो है वो सदर्न मोस्ट टिप मानी जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में इसी तरह से इसका मैप अगर अच्छे से बसा हुआ है तो। नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट इन उत्तर प्रदेश। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 में पूछा गया था, हाल ही फिलहाल में मतलब 6 साल हुए हैं तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। कौन सी ऐसी हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे हुलास दिया हुआ है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सोथी है, हालांकि कोलदीवा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, मगर ये आपका हड़प्पा कालीन केंद्र नहीं है, ये आपका नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट है यानी कि नवपाषाण केंद्र है, नवपाषाण केंद्र। और ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुलदीवा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज डेफिनेटली प्रेजेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा जानवर एकदम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मौजूद था। पीजीटी 2016 का प्रश्न है, जिराफ, हाथी, कंगारू, सियार। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सील्स मिली है वहां पे हमको सील्स में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, एक तो हमको बाघ मिलता है, हिरन मिलता है, गैंडा मिलता है, हाथी मिलता है। तो इसमें ऑप्शन आप हाथी दे सकते हैं। अगर यहीं पे प्रश्न एक बार मुझे याद है किसी और एग्जाम में पूछा गया था इसी तरह का प्रश्न था, उसमें बाघ नहीं दिया था, उसमें उन्होंने शेर दिया था, तो लोगों ने स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा कंफ्यूज होके उसमें लाइन पे टिक कर दिया। हालांकि लाइन बिल्कुल नहीं है, शेर नहीं है, बाघ है, आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में बाघ और शेर दोनों आते हैं तो केवल आप बाघ पे टिक करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिमेट्री एच इज एसोसिएटेड विद। शवाधान एच की संबंध किससे है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति से है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सिविलाइजेशन से है, या पूर्ण विकसित और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति दोनों से है, या फिर लेटर हड़प्पन कल्चर यानी कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। अभी जो हम बात करें ना सिमेट्री एच, या मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी सिमेट्री R37, तो ये ए बी सी डी क्या है? कुछ नहीं है बल्कि एक, मान लीजिए आप एक ये केंद्र है हड़प्पा, इसको इन्होंने क्या किया यहाँ से ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया पूरे उस क्षेत्र को, और फिर ऐसे डिवाइड किया तो एक एक खाने को इन्होंने क्या किया, नाम दे दिया टोपोग्राफी में ए बी सी डी। इस तरह से कोई एक खाना होगा जहां पे जिसका नाम होगा आर, तो अगर हम उस आर के खाने को थोड़ा सा बड़ा करें तो वहां पे उन्होंने फिर से उसको वर्गीकृत कर दिया है, नंबरिंग कर दी उसकी 1, 2, 3, 4 करके, इस तरह से 37। इस तरह से जो हमारी सिमेट्री एच है वो यहाँ पे कहीं किसी खाने में होगा सिमेट्री एच। तो ये कुछ नहीं है, केवल क्षेत्र को डिवाइड किया हुआ है और उसको अपने सुविधा के अनुसार उसको नंबरिंग कर दिया जिससे कि पहचान हो सके कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिमेट्री एच है ये आपकी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, लेटर हड़प्पन कल्चर से संबंधित है, और जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जो R37 सिमेट्री थी वो आपकी पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थी। नाउ मूविंग बैक मूविंग फॉरवर्ड टू द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर आर सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? ये नेट दिसंबर 2019 में प्रश्न आया था, और नेट दिसंबर 2019 में काफी प्रश्न पूछे गए थे हड़प्पा सभ्यता से, और इस तरह से पैटर्न चेंज होता रहता है। तो ये जो नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं? एक तो है क्रुमू और दूसरी है कुभा। जो कुभा है ये कहाँ बहती है? ये बहती है काबुल में, काबुल में बहती है कुभा। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ आपको, वितस्ता, वितस्ता क्या है? झेलम नदी का नाम है, झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, और ये हमको वैदिक संस्कृति जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है झेलम में वितस्ता, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन, हिमाचल पीजीटी 2020 में पूछा गया था, हड़प्पन हैड सी ट्रेड विद विच प्लेस। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था?
तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया के साथ उनके सी ट्रेड थे, उनके सी कनेक्शन थे, संबंध थे समुद्री मार्ग से, क्योंकि हमको हड़प्पन सील्स मिलती हैं मेसोपोटामिया में और मेसोपोटामिया की सील्स मिलती हैं हमको हड़प्पा में। तो ये इस बात का सूचक है कि यहाँ से इनके साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे होंगे। 9th क्वेश्चन आरपीएससी 2016 में पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस साइट्स ऑन द ड्राई बेड ऑफ सरस्वती इन द चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती के जो शुष्क तल है उस पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन देखिए आप, इस ऑप्शन को देख के आप मतलब क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा अच्छे से, तो वीएस वकांकर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जो जुड़े हैं ये किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं भीमबेटका से। तो ये भीमबेटका से जुड़े हैं जो कि मेसोलिथिक साइट है एमपी में होशंगाबाद जिले में। और अगर आप देखें रेमंड अल्चिन, तो रेमंड अल्चिन जुड़े हैं नियोलिथिक साइट से। कौन सी नियोलिथिक साइट है, दो नियोलिथिक साइट है, एक है पिकलीहल, हाँ सॉरी पिकलीहल जो कि है कहाँ, कर्नाटक में, कर्नाटक के रायचूर दुआब में है, और दूसरी जो साइट है वो है उतनूर, और उतनूर कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट किस प्रदेश में है, किस जिले में है। तो पिकलीहल आपको याद रखना है, उतनूर याद रखना है, तेलंगाना में है, पिकलीहल कर्नाटक के रायचूर दुआब में है। तो रेमंड आलचिन जो है ये नवपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब बच गए कौन, अहमद हसन दानी, अहमद हसन दानी जो कि 1920 से 2009 के बीच में इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। 1920 में इनकी इनका जन्म हुआ था, 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। और जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं, मगर ये जुड़े हुए हैं आपके रहमान डेहरी, जगह का नाम आपने शायद सुना होगा, रहमान डेहरी, रहमान डेहरी के उत्खनन से जुड़े। तो अभी अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड भी लगा लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रफीक मुगल। तो रफीक मुगल जो है ये सैंधव स्थल इन्होंने खोजे थे बड़ी संख्या में चोलिस्तान का जो रेगिस्तान है पाकिस्तान में स्थित, उसके सरस्वती के शुष्क तल पे सबसे ज्यादा इन्होंने साइट्स खोजी हैं। 10th क्वेश्चन है जो कि दिल्ली में पूछा गया था पीजीटी 2019 में, विच ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट एंटरप्राइजेस ऑफ हड़प्पन लोकेटेड इन लोथल एंड चंद्रगढ़। और ये प्रश्न इतना घिसा पिटा है कि कई बार आ चुका है, हालांकि प्रश्न को घुमा घुमा के पूछते हैं। कई बार ये पूछते हैं कि जो मणि निर्माण केंद्र है वो इनमें से किन जगहों पे है। तो अगर आपको लोथल दिया है, चंद्रगढ़ दिया है, तो आपको दोनों मारने हैं। अगर आपको लोथल दिया हुआ है केवल ऑप्शन में, तो आपको लोथल आंसर लगाना है। अगर आपको चंद्रगढ़ दिया हुआ है, तो आपको चंद्रगढ़ ऑप्शन लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन निकलते हैं और कुछ नया नहीं है, सब कुछ ऐसे ही घूमता है। अभी आप देखिए ये क्वेश्चन पीजी 2019 में इस तरह से पूछा गया है, बट यही क्वेश्चन सेम नेट में ऐसे ही पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में मणि निर्माण केंद्र इनमें से कौन कौन से थे, और चार ऑप्शन दिए थे, उनको भी कोड में दे दिया था। तो लोथल और चंद्रगढ़ दोनों अगर किसी ने मारे हैं तो ही सही हो सकता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मैं और भी क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।